भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में जहां चुनावी रैलियां की जा रही हैं, तो वहीं आज गोंडा जिले के केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के कर्नलगंज बरदेही बाजार में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां भारतीय कृषि संघ के अध्यक्ष केसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह की अगुवाही में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज के संयोजक आतंकियों के समर्थन में कर रहे हैं। आज जो इनकी स्थिति बनी हुई है, ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इसे जनता और भी नाराज इनसे हो रहे हैं और नई नई चीजें पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान को देता तो चली गई। तो दीदी छाए पुल जनता में बातें सो रहे मोदी। विजय संकल्प रैली में भारी तादाद में जनता को देखकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला खुद को रोक नहीं पाए और बेतुका व बेलगाम भाषण देते हुए प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी स्वयं भ्रष्टाचार भैया के कदाचार के लिए और अपने परिवार भ्रष्टाचार की नैया पार लगाने के लिए आई हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता द्वारा साइबेरियन पक्षी के बयान पर उन्होंने भी प्रियंका गांधी पर की तुलना साइबेरियन पक्षी के रूप में करते हुए कहा कि विशेष मौसम देखकर साइबेरियन पक्षी आते हैं और मौसम देखकर चुनाव के लिए मंदिर जाते हैं। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाली मायावती आज चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? सीधा जवाब, क्योंकि पिछली बार जो है हाथी ने अंडा दिया था, इस बार जनता डंडा दे रही है। प्रियंका गांधी, वो कौन सी खासियत है जिसके बल पर वो कांग्रेस की नैया पार लगाने वाली है? उनकी अपनी नैया बड़ी मुश्किल से जो है चल पाई है। अगर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने गंगा नहीं साफ किया होता तो उनकी नैया का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी सिर्फ सैया के भ्रष्टाचार और भैया के जो है कदाचार से जिस तरह से त्रस्त है कांग्रेस, उसमें किसी तरह से अपने परिवार की भ्रष्टाचारी परिवार की नैया पार लगाने का उनका प्रयास है। लेकिन वो भी उनके सारे दौरे उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं क्योंकि किराए पर भी भीड़ नहीं मिल रही। साइबेरियन पक्षी कहा गया आपके नेता बीजेपी नेता द्वारा कि वो साइबेरियन पक्षी, जो एक मौसम विशेष में जो है साइबेरियन पक्षी आते हैं और मौसम देखकर ये चुनाव ये मंदिर जाते हैं, इसलिए साइबेरियन पक्षी। चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या आप पालन करते हैं? निश्चित तौर पर, नहीं तो निर्वाचन आयोग हमारे खिलाफ शिकायत लेगा। क्या आप मानते हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा था कि सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, आपने तो धड़ल्ले से किया? बिल्कुल सेना का इस्तेमाल नहीं किया हमने, शौर्य का गुणगान करना सेना का इस्तेमाल नहीं है। वहीं विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, जब दम नहीं बचता है तब तुम हो जाता है। उन्होंने मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक को बताते हुए कहा, इन लोगों में अब कोई दम नहीं रह गया है, जो अब गधे की दुम हो गए हैं। जिस पर कहावत कहते हुए कहा, जब जनता नाराज हो जाती है तब गधे की दुम कहने लगती है, वहीं हाल इन लोगों का है। विचारों में दम ही नहीं बचा, वो सिर्फ दुम हो गए हैं। बिहार में तेजस्वी की दुम, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मायावती की दुम, दिल्ली में केजरीवाल की दुम, उड़ीसा में पटनायक की दुम, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की दुम, तमिलनाडु में स्टालिन की दुम, बंगाल में ममता बनर्जी की दुम। जब दम में कुछ बचता नहीं है तो आदमी दुम हो जाता है। और ये दुम तो वैसे भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, जब किसी पे कोई नाराज कहे तुम गधे की दुम हो, तो जनता नाराज हो जाती है तो आदमी दुम से गधे।